कार आज सुबह की 30 ताजा खबरों के साथ में मैं पवन कुमार राठौर। आइए देखते हैं 30 बड़ी ताजा खबरें आज सुबह की। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। दिल्ली में एक ही पुलिस थाने में 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 1560 नए केस, करीबन 35 से ज्यादा हुई मौत। कोरोना के कारण चार धाम यात्रा की तारीख में बदलाव किया गया। उधर पिता की हुई मौत, हिदरनम आंखों से योगी करते रहे मीटिंग। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में लगा बहुत बड़ा जाम। मुंबई में 53 पत्रकार कोरोना से संक्रमित हो गए, 171 लोगों का सैंपल लिया था। पालघर में किए साधु हत्या पर पूरे देश में भड़के साधु, कहा अंजाम होगा बुरा। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, 24 घंटे खुली रहेगी आजाद मंडी। अगले 10 दिन में कोरोना पिकअप पर पहुंचेगा, फिर नीचे आ जाएगा, केंद्र सरकार के हाथों में कमान। क्रिकेट में नए नियम आने की संभावना, आईसीसी लेगी उचित फैसला। ओप्पो ने न्यू फोन लॉन्च किया, 44 मेगापिक्सल पंच होल कैमरे के साथ में लॉन्च किया। छुट्टी भेजे गए कर्मचारियों को 80% वेतन देगी ब्रिटिश सरकार। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से 1,65,000 के पार मौतें हो चुकी हैं। भारत समेत 10 देशों से ज्यादा टेस्ट किए हैं अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। इमरान कैबिनेट की मंत्री बोली, नीचे से भी घुस सकता है कोरोना वायरस। पुलिस इंस्पेक्टर ने खुद के 2 बेटों को गोली मारी, एक की मौत, पुत्र हुए दुए भी हुई घायल। पटौदी में मिला एक कोरोना से संक्रमित व्यक्ति। कल से गेहूं की खरीदारी उच्च अधिकारियों की देखरेख में शुरू हो गई। अभी भी सब्जी मंडियों में शारीरिक दूरी का ध्यान नहीं रखा जाता। टैक्स वसूली के लिए फिर से शुरू हो गया खेड़ की दौला टोल प्लाजा। कारोबार पर कोरोना की बहुत बड़ी मार पड़ी हुई है। अभिभावक परेशान है क्योंकि स्कूल फीस को लेकर मनमानी कर रहे हैं। दुनिया को मिली साफ मौसम की सौगात, वैज्ञानिकों ने कहा कोरोना से यही एक चीज सही मिली है। पालघर, पूरे गांव में सन्नाटा छा गया है, 1200 लोगों के में से 250 लोग जंगल में जा चुके हैं। जर्मनी ने कोरोना वायरस से हुई नुकसान की भरपाई के लिए चीन को 12,00,000 करोड़ का बिल भेजा। हरियाणा में 238 मामलों में से 50% से ज्यादा मरीज ठीक हुए। हेल्थ डिपार्टमेंट ने कहा कि मुर्गी में कोरोना होने का कोई दावा नहीं है, सब ये झूठा है। महेंद्रगढ़ में लॉकडाउन में थोड़ी ढील देने पर लोग खूब सड़कों पर दिखे। महेंद्रगढ़ उपायुक्त ने कहा 3 मई तक लॉकडाउन में कोई ढील नहीं। देश विदेश और आपके आसपास की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।